My name is Anika Jass. I'm about Jazz. Welcome to lecture number 25. Aaj hum continue karenge apna chapter number 5. That is network communication and protocols. So, aaj jo hum topics cover karne hai, they are network architecture, and afterwards we'll see types of networks. So, basically, network architecture kya hota hai? नेटवर्क में हमने पढ़ती है क्या क्या चीज़ें होती है, हमारे पास हब्स होती हैं, ठीक है, हमारे डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, जिसमें हमारे पास हब आ गई है, हमारे पास राउटर आ गई है, हमारे पास गेटवेज आ गए, ठीक है, फिर हमारे पास ठीक है हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें नोड्स होती हैं, कंप्यूटर्स होती हैं, ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं केबल के थ्रू और कम्युनिकेशन के लिए इनके पास यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होती है, ठीक है। तो आप इन कंप्यूटर्स को, इन केबल्स को, इन राउटर्स को, इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को क्योंकि किस तरह लगाना है, इनका कनेक्शन किस तरह करना है आपस में, ये कहलाता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। कि हमने कहाँ पर नोड्स को प्लेस करना है, कहाँ पर हमें राउटर को अपने या कम्युनिकेशन डिवाइस को प्लेस करना है, कहाँ पर हमें केबल्स को प्लेस करना है, ये सब हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर के लाता है, जो डिजाइनिंग है इन तीनों चीज़ों की। ओके, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में वो होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज द डिजाइन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। It includes hardware devices such as routers and switches, cabling, network topology, and physical and wireless connections. ठीक है, physically connection हो रहा है तो cables को किस तरह हमें लगाना है, अगर wireless connection हो रहा है तो हमारे पास जो wireless device होगी उसको हमें किधर place करना है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास क्या होता है, network architecture। इसके अंदर आपके पास सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर्स। अब सर्वर कंप्यूटर हमारे पास क्या होता है, वो कंप्यूटर जिसको काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज होती है उनको शेयर करता है किसी भी नेटवर्क के ऊपर। ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, बाकी वो ये कंप्यूटर जो हमारे पास कंप्यूटर नंबर वन है, ये हमारे पास समझो बहुत पावरफुल है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे इसके पास अवेलेबल है, इसके पास ही सॉफ्ट जो प्रिंटर है वो है, इसके पास ही कंप्यूटर लगा है, इसकी हार्ड डिस्क ज़्यादा है, इसके अंदर डाटा भी ज़्यादा है, इंस्टॉल हुआ है, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास ये एक और कंप्यूटर है, कंप्यूटर नंबर इसके पास ना ही प्रिंटर है, ना ही जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उसको जरूरत पड़ेगी वो इन्फॉर्मेशन भी इसके पास नहीं है, इसकी हार्ड डिस्क भी बहुत कम है, ठीक है, इंटरनेट की कनेक्शन भी नहीं है इसके पास। तो ये सब्स्टिट्यूट कंप्यूटर है, ये अपने आप को कनेक्ट कर देगा वन कंप्यूटर के साथ और वन कंप्यूटर से उसकी सर्विस ले लेगा। अगर प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी तो वन कंप्यूटर के रिसोर्स यूज कर देगा, तो डेटा की जरूरत पड़ेगी तो वन कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेगा, मुझे ये डेटा दे दो, वन कंप्यूटर इसको दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर इतने भी कनेक्शन की जरूरत होगी तो ये जो टूल कंप्यूटर है ये वन कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेगा इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है। और टू कंप्यूटर के पास हार्ड डिस्क भी बहुत कम है तो ये सेकेंड कंप्यूटर जो है ये वन कंप्यूटर से कहेगा कि मेरा ये डेटा अपनी हार्ड डिस्क में सेव करना। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो कंप्यूटर जिसको रिक्वेस्ट की जाती है वो इन रिटर्न आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो भी रिक्वेस्ट की जाए, ठीक है। तो जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट की जाए, जिसको सर्विसेज ली जाए, वो होता है हमारे पास सर्वर कंप्यूटर। ओके, और वो कंप्यूटर जो कि सर्विसेज ले, दूसरों की दूसरी कंप्यूटर की रिसोर्सेज को एक्सेस करे, ओके, वो होता है हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर। सेकंड कंप्यूटर हमारे पास क्लाइंट कंप्यूटर है और कंप्यूटर नंबर वन हमारे पास क्या है, यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर।
मुझे देखना है कि कॉमनली यूज नेटवर्क आर्किटेक्चर तुम्हारे पास क्या है। नेटवर्क आर्किटेक्चर मैंने बताया था अभी कि किस तरह डिफरेंट सिस्टम को और लगाया जाता है आपस में, उनके दरमियान कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हब वगैरह इनको लगाया जाता है। ओके, इसके साथ साथ कैसे केबलिंग होती है, कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, ये सारा कहलाता है नेटवर्क आर्किटेक्चर। टोपोलॉजी बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो बेसिकली हमारे पास जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है जिस तरह से सिस्टम्स को लगाया जाता है वो दो टाइप की है, एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, एक है पीर एंड पीर पी टू पी नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट में हमने बता दिया वो सिस्टम जो कि रिक्वेस्ट जनरेट करता है दूसरों की रिसोर्सेज को देता है, और सर्वर वो कंप्यूटर है जो रिसोर्सेज देता है। ठीक है, तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क एज एज आइदर अ सर्वर और अ क्लाइंट और क्लाइंट सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का नेटवर्क है, आर्किटेक्चर है, अब इसमें सिस्टम नंबर वन का हमारे पास ये क्या था, इसके पास सारे सर्विसेज मौजूद थी, तो ये हमारे पास सर्वर था। ये बाकी सिस्टम जो है ये सिस्टम नंबर वन से सर्विसेज ले रहे थे, इसको वन को रिक्वेस्ट करते थे कि हमें कुछ सर्विस चाहिए हो तो वो आगे से इसको रिप्लाई में सर्विस प्रोवाइड करते। ठीक है, तो वन हमारे पास सर्वर था और बाकी क्या थे क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में या तो कोई कंप्यूटर सर्वर होता है या फिर वो क्लाइंट होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक सिस्टम सर्वर भी हो क्लाइंट। ठीक है, या तो कुछ सिस्टम सर्विसेज देता है या फिर वो सर्विसेज देता है। ओके, जबकि हमारे पास पी टू पी नेटवर्क पे क्या होता है कि कोई भी सिस्टम किसी भी टाइम एज अ सर्वर बिहेव करना शुरू हो जाता है और वो किसी भी टाइम एज अ क्लाइंट बिहेव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे की जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वन सिस्टम के पास प्रिंटर है तो सेकेंड कंप्यूटर वन कंप्यूटर का प्रिंटर यूज कर देगा, लेकिन वन सिस्टम की हार्ड डिस्क इतनी अच्छी नहीं है कि इसकी हार्ड डिस्क अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, ये टू सिस्टम के पास हार्ड डिस्क है। तो वन कंप्यूटर क्या करेगा, टू कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर है इससे हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर कर देगा। ठीक है, इसको कहेगा कि मेरा डाटा अपने पास सेव कर दो। तो प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए जो सेकंड कंप्यूटर है फर्स्ट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेगा, तो जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है वो होता है क्लाइंट और सर्वर जो दे रहा होता है वो होता है सर्वर। लेकिन हार्ड डिस्क के लिए जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो सेकंड कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करेगा। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट कंप्यूटर है ये बन गया क्लाइंट और सेकंड कंप्यूटर हमारे पास बन गया है सर्वर। तो यही होते हैं हमारे पास पी टू पी नेटवर्क, जिसमें हर कंप्यूटर के पास कैपेसिटी होती है कि वो क्लाइंट भी बन जाए और सर्वर भी बन जाए एक टाइम। ओके, और इस सिस्टम में हम लोग किसी जो है इस नेटवर्क में हम किसी कंप्यूटर को ये नहीं कहेंगे कि ये क्लाइंट है ये सर्वर है। अब हम हर कंप्यूटर को कहेंगे कि ये पीर है। ओके, अब जो पी टू पी नेटवर्क होते हैं हमारे पास ये रिलेटिवली हमारे जो साइज होता है ना ये स्मॉल होता है। ओके, ज़्यादातर ये नेटवर्क जो है हमारे पास दो या टू टू टेन कंप्यूटर्स के बराबर है। अब ये इतना क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये बड़े होते जाए इनके नेटवर्क अगर लार्ज हो जाए तो इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सो मैनी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेयरिंग एंड मेंटेनिंग शेयर रिसोर्सेज। ओके, क्योंकि इस हर कोई भी अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है तो इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होंगे, जितने भी हमारे पास सर्वर होते हैं ना जो कि रिसोर्सेज दे रहे होते हैं इनके ऊपर हमारे पास होते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अगर हर सिस्टम भी एज अ सर्वर बिहेव कर रहा होगा तो हमें बहुत ज़्यादा
चाहिए होंगे जो कि कंट्रोल करे इस शेयरिंग को, क्योंकि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं टॉपिक के, दैट इज टाइप ऑफ नेटवर्क। अब टाइप्स ऑफ जो नेटवर्क है ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, साइज पे एंड फिजिकल एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, साइज का मतलब क्या है कि कितने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, और फिजिकल एरिया का मतलब है कि ये कितने स्पैन को, एरिया के स्पैन को कवर करेंगे, क्या ये एक बिल्डिंग तक रहेंगे, क्या ये सिटी की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड फिजिकल एरिया, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, साइज से मुराद है कि कितने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए गए हैं, और फिजिकल एरिया से मुराद है कि ये कितना एरिया, कितना स्पैन कवर कर रहे हैं कंप्यूटर्स आपस में जब कनेक्ट कर दिए जाते हैं। क्या एक पूरी सिटी के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, क्या एक बिल्डिंग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया गया है, क्या एक 2 से 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। ओके, तो इसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है दैट इज लैब लोकल एरिया नेटवर्क। अब लैब जो है ये एक लिमिटेड फिजिकल एरिया कवर करता है। नॉर्मली एक सिंगल बिल्डिंग अगर है तो उसके अंदर जितने भी सिस्टम है उसको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया तो हम कहेंगे कि हमने एक लैब बना दिया, लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया। लैब स्पेसिफिकली क्यों बनाई जाती है कि हमने अपनी कोई भी एप्लीकेशन को शेयर करना हो, जैसे किसी सोर्स को, किसी फिल्टर को शेयर करना हो, तो हम लोग उस सिस्टम को बाकी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे जो जिसको फिल्टर की ज़रूरत है, और हम लोग कह देंगे कि हमने लोकल एरिया रहना होगा। बेसिकली लैब जो है एक स्मॉल फिजिकल एरिया को कवर करती है, और क्योंकि ये एक स्मॉल से एरिया में होती है इंटरनेट का कनेक्शन है जो हमारे पास वायरलेस कनेक्शन है ये यूजली बहुत हाई स्पीड होता है, क्योंकि कंप्यूटर से नहीं आ रहा, और ये एक बहुत रिलायबल नेटवर्क है जो कि छोटी होगी ऑब्वियसली उतनी रिलायबल होती है, और उसके अंदर जो एरर्स होगी आने की चांसेस बहुत कम होगी। और ऐसे कि पहले बताया कि इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। ओके, नेक्स्ट जो हमें देखना है हमारे पास टाइप ऑफ नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड फिजिकल एरिया वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पर कवर करती है। ठीक है, वैन के अब वैन जो है ये एक लार्ज फिजिकल एरिया कवर करता है। ठीक है, इसमें अपने डिफरेंट साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स को कवर करती है। ओके, मोस्टली लैब कैसे बनता है, जब हम ज़्यादा सारे लैब्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 3 कंप्यूटर्स थे इधर आपस में कनेक्ट हुए हुए थे, तो ये क्या थे, एक लोकल एरिया नेटवर्क। देन इधर भी हमारे पास कुछ सिस्टम्स थे ये आपस में कनेक्ट हुए हुए थे, इन्होंने एक लोकल एरिया नेटवर्क, और भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, इन सब को क्या हुआ, हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, इन लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। ये हमारे पास बन गया एक वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें हमने डिफरेंट जो लैंड्स थे उनको अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्ट कर दिया। ओके, और लैंड्स को सॉरी, क्योंकि इसके अंदर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक पड़े हुए सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए मैप्स को हम लोग समटाइम्स लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहते हैं। वैन सिटीज को आपस में, सिटीज के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, देन सिटीज से आगे बढ़ के वो कंट्रीज के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, एंड देन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के सिस्टम को भी आपस में कनेक्ट करता है। ओके, हमारा हम लोग अब यहाँ बैठे हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया में किसी सिस्टम है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये नेटवर्क जो हमारे पास अब एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे हम लोग
मल्टीपल सिस्टम से कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होते जाएंगे, वो क्रॉस कंट्री कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो आपस में, अब ये सारा सिस्टम क्या बन गया, नेटवर्क क्या बन गया, एक वाइड एरिया पे। जैसे कि पहले बताया मैंने कि लार्ज फिजिकल एरिया को कनेक्ट करते हैं, जो कि कैन बी वर्ल्ड वाइड लाइव इंटरनेट, ठीक है। इसके अंदर कम्युनिकेशन स्पीड स्लो होती है क्योंकि बहुत लार्ज एरिया तक डेटा को मूव कर रहे हैं, बहुत लार्ज एरिया तक वीडियोज आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं, तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास स्लो होती जाती है। और इसमें अब हमारे पास कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट होंगे, केबलिंग कौन सी होगी, पॉकेट नेटवर्क होंगे या फिर लीज लाइन्स या फिर सैटेलाइट्स होंगे, क्योंकि बहुत दूर तक कनेक्शन करता है। ओके, जैसे मैंने बताया कि अगर हमने एक ये सिस्टम है और एक ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो सैटेलाइट्स के थ्रू हो सकता है कि आप पहले डेटा को अपलिंक करें या फिर डाउन लिंक करें, ओके, या फिर वहाँ पर पब्लिक नेटवर्क यूज हो सकते हैं, टेलीफोन लाइन्स यूज होती हैं, लीज लाइन्स यूज हो सकती हैं, और गैर हमारे पास मल्टीपल लाइन्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो कम्युनिकेशन एरर भी आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि तो बहुत लार्ज एरिया तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कैन स्पैन फ्रॉम सेवरल बिल्डिंग्स और अ लार्ज कैंपस टू एंटायर सिटी, ओके, ये एक बिल्डिंग से लेकर एक एंटायर सिटी को कवर कर सकता है। मैन जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सीज कर रही है, क्योंकि अगर एक सिटी में एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डिफरेंट कैंपस हैं, तो वो हर कैंपस में अपने नेटवर्क जो है एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आपस में कनेक्ट कर सकती है, लेकिन एक सिटी के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो मोस्टली क्या ये भी क्या कर रहा है कि डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन, लेकिन इसका जो स्पैन है वो एक सिटी से आगे नहीं जाएगा, या फिर दो तीन सिटीज। तो बेसिकली कितना टाइम जो ये कवर करता है, 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर, ओके, ये इतने एरिया के अंदर रहते हुए ये कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये लैंड से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा है, और हम लोग इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, कौन सी केबलिंग यूज होती है सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या तो फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो रहा है या फिर माइक्रोवेव के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही है। और ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि लैंड प्रोवाइड करती थी, और डिफरेंट जो टेलीफोन कंपनीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो केबल टीवी कंपनीज हैं, वो मैन का इस्तेमाल कर रही हैं। जो लास्ट टाइप हमने पढ़ी है कंप्यूटर नेटवर्क की, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन का काम क्या होता है, हमारे पास हमें रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करना, अगर एक इंडिविजुअल है, इसका कोई ऑफिस है, ठीक है, इसका कोई ऑफिस है, इसके अंदर इसका सिस्टम है, ठीक है, अब क्या है, ये जो पर्सन है ये अपने सिस्टम के ऊपर काम करता है अपने ऑफिस में रहते हुए। अब ये चाहता है कि मैं घर बैठ कर अपने, ठीक है, घर बैठ कर मैं अपने इस सिस्टम को एक्सेस कर सकूँ जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ ऑफिस में। तो वो कैसे एक्सेस कर सकता है, वीपीएन के थ्रू। VPN एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि इंडिविजुअल्स को रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के ऊपर। कोई डाटा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के ऊपर है, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं घर से बैठ के अपने इस ऑफिस के नेटवर्क को एक्सेस कर लूँ, तो वो जो सर्विस इसको VPN प्रोवाइड करता है। और ये चीप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। और वो क्या यूज करता है, पब्लिक टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे पास पब्लिक टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फोन से एग्जिस्ट कर रही है, इंटरनेट एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, सेट ऑफ एक्सपेंसिव लीज है, ठीक है, ये बेसिकली इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क की एक्सेस देता है। डिफरेंट कनेक्टर्स के
है कि ये पब्लिक नेटवर्क को यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, और ये बहुत सिक्योर होता है, ये फाइल शेयरिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिमिलर नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है और हमें चीप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आई हैव बहुत इजी से टॉपिक है, बेसिक से टॉपिक है। आप लोगों ने अगर मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ी होगी तो आप लोग ये पढ़ के आए होंगे, बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, तो इस चैप्टर में ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। ओके, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही। एंड अगर कोई इशू हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।